रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, इसको लेकर के जानकारी रायपुर से। जिला एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैये पर अपना विरोध भी जताया गया। ऑफलाइन परीक्षा कराने के विरोध में यह प्रदर्शन एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा किया गया। कुलपति का विरोध किया गया है और तानाशाही रवैये का विरोध यहां पर एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा किया गया है। तो रायपुर से खबर, जहां रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ है और इसको लेकर के रायपुर से जानकारी, जहां पर जिला एनएसयूआई ने इस पर अपना विरोध किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन परीक्षा कराने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। मांग यही है कि ऑफलाइन आखिर परीक्षाएं क्यों आयोजित की जा रही हैं? अभी तक भी कोरोना संक्रमण के दौर से चला आ रहा है, ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाती रही हैं। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या अभी तक इस पर जानकारी है, एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा विरोध? जी, आज पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सामने एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया और ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षाएं जो आयोजित की जा रही हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उसमें उन्हें जाकर इसका विरोध कर रहे हैं। और एनएसयूआई के लोगों ने यहां पर कुलपति के खिलाफ, रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, यहाँ तक कि उनका पुतला तक फूंका है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ऑफलाइन परीक्षाओं को आयोजित करने की बात की गई है, कोरोना काल की बात कही जा रही है कि कोरोना काल में इस तरह ऑफलाइन की परीक्षाओं को आयोजित कर कुलपति ना केवल बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर हंगामा बरपा गया है। काफी एनएसयूआई ने एक तरह से जो प्रोटेस्ट किया है उसे लेकर काफी छात्रों का भी उसको एक प्रतिसाद मिला है। जी सुविंदर जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें अमित, एक और चीज ये भी है कि एनएसयूआई के द्वारा ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर के सवाल तो उठाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अब कदम क्या उठाया जाए? क्या कोई और भी वैकल्पिक रास्ता है जिसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है? नहीं, जैसा कि अभी एनएसयूआई के नेताओं का सिर्फ एक था कि भाई इसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाए, उन्होंने वो प्रदर्शन किया है, लेकिन किसी तरह का विकल्प या सुझाव उन्होंने नहीं बताया। एक तरह से वो ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होती रहे, लेकिन ये संभव नहीं है, चूंकि कोरोना काल लंबे समय से चला आ रहा है, 2 वर्षों से कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, स्कूल खुल गए हैं, वहीं अब कॉलेजेस में चूंकि बड़े बच्चे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। लेकिन एनएसयूआई अब इसे एक मुद्दा बनाना चाह रहा है कि किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, बिल्कुल विरोध किया जाए, और इसीलिए आगे की रणनीति क्या है ये जानना भी बड़ा जरूरी है। अमित, इसको लेकर के क्या कहना है एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं या जो छात्र हैं, क्या कह रहे हैं आगे इसको लेकर के, क्या प्रोटेस्ट तेज किया जाएगा? अभी जैसा कि हमारी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि भाई हमने एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है और कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई ही आगे आने वाले 6 माह तक कराई जाए। तो यही एक बात सामने आ रही है कि 6 माह तक अभी ऑफलाइन परीक्षाएं या कक्षाएं नहीं खोली जाए, तो इस तरह की बात या उनके सुझाव में आई है। जी सुविंद, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। तो जिला एनएसयूआई की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के जरिए आगे आने वाले समय की रणनीतियों को तय किया गया है, और यह भी साफ किया गया है कि जब तक उनकी बातों को स्वीकारा नहीं जाता है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षाएं अब आयोजित करने की बात जो की जा रही है, जब तक वो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं होती हैं, तब तक इसी तरीके से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। रुक